मदर्स डे तो सबसे पहले विश यू वेरी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द ब्यूटीफुल मॉमीज। तो क्या होता है, मैंने बहुत सारी जगहों पे ये सारी चीजें देखी है, लाइक सिर्फ और सिर्फ आज के दिन ही वो लोग ना मम्मी लोग को खुश करने के लिए वो लोग तरह तरह के सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे वो लोग यू नो फोटो पोस्ट करते हैं, स्टोरीज शेयर करते हैं या फिर पिक्चर्स लगाते हैं, अच्छे अच्छे मैसेजेस लिखते हैं। बट इसके अलावा बाकी सारे दिनों में ना वो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। अगर आप मुझसे पूछे लाइक अकॉर्डिंग टू मी क्या होता है कि मदर्स डे जो है वो हर दिन सेलिब्रेट होना चाहिए। लाइक अगर मम्मा लोग ऑफिस वर्क करती है तब तो उन्हें वीक में एक या दो दिन की छुट्टी मिल जाती है रिलैक्स करने के लिए, लेकिन जिन लोगों की मम्मी लोग हाउसवाइफ होती है ना उन्हें हफ्ते में एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिलती है, बल्कि उल्टा उनका जो वर्कलोड रहता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली फॉर वीकेंड्स के टाइम। तो अगर हम लोग अभी इस लॉकडाउन के टाइम की बात करते हैं तो लाइक लॉकडाउन में क्या ना हर किसी की छुट्टी चल रही है, हर कोई घर पर बैठा हुआ है, कोई कोई घर से बैठ के ऑफिस का काम कर रहा है, लेकिन एक जो औरत है ना जो किचन पर रहती है 2400 घंटा उनके काम का जो काम है वो हमेशा चलता रहता है। तो ये कभी कभार हम लोगों ने ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये सारी फीलिंग्स आए कि नहीं, मेरी जो लाइफ है सिर्फ ये चार दीवारी के अंदर तक ही सीमित नहीं है, इसके अलावा इससे बढ़ के भी कुछ और चीज़ें हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ मेरी और मेरी मम्मा की बॉन्डिंग की, तो लाइक बिफोर मैरिज मेरी और मम्मा हम लोग ऑलमोस्ट आई गेस 17 ईयर्स हम लोग साथ रहे। उन 17 ईयर्स में उन्होंने मुझे हर छोटी से छोटी बड़ी सी बड़ी चीज़ें सिखाई, मेरे लिए अच्छे अच्छे टेस्टी टेस्टी डिलीशियस फूड बना दी थी, लाइक हमारी हर छोटी से छोटी ज़िदों को वो पूरा करती थी। और अगर हम अभी बात करते हैं आफ्टर माय मैरिज टाइम, तो टच फूड यार, कौन कहता है कि सास कभी माँ नहीं हो सकती, कौन कहता है कि सास के साथ कभी मदर्स डे सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता। भाई मेरे घर में जो दो सास है ना, लाइक मेरी मदर इन लॉ और मेरी आंटी लॉ लाइक काकी सास, उनके साथ जो मेरा बॉन्ड है वो टच फूड बहुत ही अच्छा है। आई फील कि वो वर्ल्ड बेस्ट यू नो मदर और डॉटर का जो बॉन्ड है, लाइक मुझे कभी भी एकदम फील नहीं होता है कि मेरी मम्मा नहीं है या फिर मुझे किसी भी चीज़ के लिए मुझे रोका टोका जा रहा है, फिर रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा रहा है। लाइक शादी के बाद से मुझे कभी भी किसी भी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं गया था। अगर मैं बात करूँ मेरे एजुकेशन को लेके, मेरे फ्रीडम को लेके, मेरे लाइफस्टाइल को लेके, मेरे खाने पीने को लेके, और सबसे बड़ा जो कंट्रोवर्शियल चीज़ होता है शादी के बाद किसी भी लड़की के लिए ड्रेसिंग सेंस का, उस चीज़ के लिए मुझे कभी भी किसी भी तरीके का कोई बाउंडेशन नहीं मिला, रेस्ट्रिक्शंस नहीं मिला। लाइक वो तो बल्कि मुझे उल्टा हमेशा मोटिवेट करती थी कि यार क्या ज़रूरत है साड़ी पहनने की, कोई ज़रूरत नहीं साड़ी पहनने की, जीन्स टॉप पहनो, ऐसे ड्रेसेस पहनो जिससे कि जिसमें कि आप कंफर्टेबल फील करवा सकते हो खुद को। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक मदर और एक डॉटर को, या फिर एक सास और एक बहू के बॉन्ड को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो मैं भी कभी कभार क्या करती, लाइक मैंने भी नोटिस किया है कि एवरी मंथ हम लोग मैं अपनी पर्सनली बात कर रही हूँ, एवरी मंथ हम जब भी मैं पार्लर जाती हूँ अपनी ग्रूमिंग के लिए, तो हम लोग वहाँ पे पैसे वगैरह जब खर्च करते हैं तो मैं हम लोग पार्लर क्यों जाते हैं, क्योंकि मुझे मेरे हम लोग का ये रहता है कि लाइक कि मुझे सुंदर दिखना है, ठीक है। तो यही चीज़ जब मैं अपनी मम्मी को कहती हूँ लाइक कि चलिए आप भी चलिए हमारे साथ, तो उनका हमेशा ये कहना रहता है लाइक क्या ज़रूरत है पार्लर जाने की, अभी तो किसी का फंक्शन नहीं है, इसमें मेरे किसी की शादी भी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं पैसा खर्चा करने की, आप लोग जाओ, आप लोग बच्चे हो, ये टाइम ही है आप लोगों का सजने संवरने का। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता है लाइक जब मैं एक माँ हो सकती हूँ, मैं एक बहू हूँ, जब मुझे इन सारी चीज़ों की फ्रीडम है, लाइक जब मैं अपने केयर करती हूँ, अपने स्किन की केयर करती हूँ, अपनी ग्रूमिंग करती हूँ, तो फिर वो क्यों नहीं कर सकती है, उन्हें भी तो खूबसूरत दिखना बनता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भाई मैं तो उन्हें हमेशा बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली लेके चलती हूँ कि नहीं आप जाओगे फिर ही मैं जाऊँगी, अदरवाइज मैं नहीं जाने वाली। तो जब भी ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग उनके लिए करते हैं ना तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील होता है। आई नो वो लोग मुँह पे बोलते नहीं हैं, बट हाँ एट द एंड ऑफ टाइम आई नो कि उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बाद में बोलती हैं तो उनके बोलने से। बात करते हैं हम लोग आजकल की न्यू टेक्नोलॉजीज की, तो लाइक हर किसी के पास सेलफोन तो है, एंड्रॉयड हो या टच स्क्रीन हो या फिर कीपैड वाली फ़ोन हो, वो तो हर किसी के पास है, ओके। तो क्यों ना हम लोग कुछ ऐसे एप्लीकेशंस, कुछ ऐसे ऐप उनके फ़ोन में डाउनलोड करते हैं जिससे कि वो भी अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स के साथ कॉन्टैक्ट में रह सके, जैसे हम लोग रहते हैं अपने फ्रेंड्स के अपने रिलेटिव्स के साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं, लाइक वो लोग भी तो रह सकते हैं।
तो इससे क्या होगा ना, उन लोगों को एक नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिलेगी, प्लस सिर्फ और सिर्फ घर पे बैठे रहने से या फिर अपनी लाइफ को एक लिमिट में समेटने के अलावा उनके पास कुछ और चीजें होंगी जिससे कि वो अपने माइंड को ना डाइवर्ट कर पाएंगे। आई नो स्टार्टिंग में ना बहुत ज्यादा अनॉइंग हो जाता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे साथ भी होता था। लाइक जब भी वो कहती थी कि मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे वो नहीं आ रहा, छोटी छोटी चीजें जो होती थी दैट टाइम, मुझे ना बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता था। लाइक मैं हमेशा इग्नोर करती थी या फिर मैं बहुत ज्यादा अनॉइंग हो जाती थी कि जब आपको आता नहीं है करने तो फिर आप लोग क्यों करते हो यार, इसको लॉग आउट कर दो, इसको हटा दो। बट बाद में फिर मुझे जब ये सारी चीजें रियलाइज होती तो लाइक नहीं यार, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग भी छोटे थे तो हम लोग भी जो छोटी छोटी मतलब यू नो जिदें रहती थी वो सारी चीज़ें वो लोग पूरा करती थी। हम लोग को बहुत ही पेशेंस से, बहुत ही काम से वो हम लोग को हर एक चीज़ सिखाती थी। हमें उन्होंने बोलना सिखाया, हमें चलना सिखाया, और आज जब उनका मौका है कि वो कुछ नई चीज़ें सीखना चाहते हैं हमसे, तो फिर हम पीछे क्यों हटे। हमें भी तो आज के दिन उनके लिए कुछ ऐसा स्पेशल करना चाहिए जिससे उन्हें भी तो लगे कि हाँ भाई हमारे बच्चे भी हमारे लिए करते हैं, और कम से कम प्राउड से तो ये सारी चीज़ें बोल ही सकती हैं। हमें भी नई नई चीज़ें सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसी तरह उन्हें भी तो भाई यू नो नई नई चीज़ें सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसी के साथ हमें ना थोड़ा बहुत पेशेंस भी रहना चाहिए, लाइक जैसे उन्हें बिल्कुल कंफर्टेबल फील हो, उन्हें किसी भी तरीके का कोई यू नो रेगुलेशन ना रहे कि लाइक मैं तो शायद आज के इस जनरेशन के साथ अपने आप को मिला ही नहीं पाऊंगी। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, हमेशा अपने माइंड में सेट करके रखनी चाहिए, लाइक कि जिस तरह वो हमारी टेक केयर करती हैं, हमें बचपन से लेके अभी तक इस स्टेज में वो लोग हम लोग के साथ बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ हमें सारी चीज़ें समझाती हैं, हमारे लिए करती हैं, हमें भी ना इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का उनके लिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और कभी कभार यू नो उनके लिए उनको भी थोड़ा बहुत स्पेशल फील करवाना चाहिए। लाइक अगर मैं अभी अपनी बात करती हूँ कि मुझे ना बिल्कुल खाना बनाने नहीं आता, और मुझे घर पे ना कभी कोई बोलता भी नहीं लाइक आपको खाना बनाना है या फिर ये, बट हाँ दीस लॉकडाउन में काफ़ी कुछ सीख गई हूँ खाना बनाने। तो कभी कभार कहते जब भी मैं कभी उन लोगों को टेस्ट करने को देती हूँ काफ़ी को या फिर मम्मी को, तो वो लोग कहते हैं नहीं बहुत अच्छा बना, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। और जब मैं खुद खाती हूँ सो आई वॉज लाइक वॉट यक, कितना गंदा बना है, इसमें नमक कम है या इसमें स्वीट का जो यू नो क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो वो हमेशा मुझे इन सारी चीज़ों के साथ मोटिवेट करती हैं कि कोई नहीं, इट्स ओके, आप धीरे धीरे सीखोगे, कोई भी एक बार में कोई काम करना नहीं सीखता है, बहुत टेस्टी बने भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लाइक उन लोगों का जो मोटिवेशन का जो यू नो मैं क्या बताऊँ, मोटिवेशन करने का जो तरीका होता है ना बहुत ही ज़्यादा अपनापन लगता है। तो इन सारी चीज़ों के साथ ना कभी भी फील नहीं होता लाइक मेरे पास मेरी मम्मा नहीं है, या फिर मुझे मदर्स डे वाले दिन हो या फिर किसी भी कोई भी स्पेशल डे वाले दिन मुझे कभी भी फील नहीं होता कि लाइक आज मेरी मम्मी रहती तो मेरे लिए सारी चीज़ें करती। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग उनके साथ सास को माँ बोल लेना या फिर बहू को बेटी बोल लेने से कोई सास बहू या फिर कोई बहू और बेटी का यू नो रिलेशन नहीं होता है। सास को माँ मानना पड़ेगा, बेटी को एक यू नो सॉरी बहू को एक बेटी मानना पड़ेगा, तब जाके जो सास और बहू का जो बॉन्ड होगा ना वो वर्ल्ड बेस्ट होगा। और बाहर के जो लोग होते हैं ना बोलते हैं सास ऐसी होती है, बहू ऐसी होती है ना, उनके मुंह पे तो यू नो ताला लग जाएगा, लाइक ऐसा कुछ नहीं होता मेरी लाइफ में यार, मैं तो भाई बड़ी बिंदास हूँ मैं अपनी सास को लेकर। तो गाइस ये जो सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। लाइक फर्स्ट टाइम इस टाइप की किसी भी प्लेटफॉर्म में मैंने अपने मन की अपने दिल की बात आप लोग के सामने रखी, और उम्मीद करती हूँ आप लोग ने ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं सिर्फ मदर्स डे वाला दिन ही नहीं, रोज़ कभी कभार हुआ वीक में एक दिन दो दिन या फिर हर रोज़ करिए, कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करिए, उनके हाथों से हाथ में लगी लाइक छोटी छोटी चीज़ों में उनका हेल्प कर दीजिए, तो क्या होगा उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। और मदर्स डे वाला दिन तो उन्हें डबल ट्रिपल स्पेशल वाली सरप्राइज दीजिए जिससे कि उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा है। तो बस सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि मदर्स डे है और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी मम्मा लोग के साथ सेलिब्रेट करिए। अगर हो सके तो उन्हें आज के दिन ना बिल्कुल काम करने मत दीजिए, जितना हो सके उन्हें पैम्पर करिए, क्योंकि भाई एक ही तो दिन मिलता है उनके लिए कुछ स्पेशल करने का, बहुत सारा स्पेशल करने का। रोज हम लोग को स्पेशल करना है लेकिन आज के दिन हम लोग को डबल ट्रिपल वाला स्पेशल करना है उनके लिए। तो मुझे ये सारी चीज़ें कब फील करने को मिलेंगी, लाइक मेरा बच्चा तो भी बहुत छोटा है, वो तो मुझे इन सारी चीज़ों को विश भी नहीं कर पाएगा, आई डोंट नो, इट्स ओके, बट आई होप कि मुझे भी ये सारी जो चीज़ें हैं मेरे बच्चे भी मुझे कभी कभार इस तरीके की स्पेशल चीज़ें करवाए, स्पेशल यू नो फील दे कि लाइक या मम्मा मैं आपके लिए आज मैंने आपके लिए आज यू नो ये सारी चीज़ें की हैं। ओके तो गाइस आज के इस वीडियो में ना सिर्फ इतना ही, आई होप आप लोग को मेरा जो छोटा सा वीडियो था वो पसंद आया होगा। लाइक इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने मन की बात बोली जो मैं करती हूँ, करती थी पहले अपनी मम्मा के साथ और अब करती हूँ अपनी इन लॉज के साथ, लाइक मेरी मदर इन लॉ और मेरी काकी सास, तो इन सब के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपनी मम्मा लोग के साथ ना इसी तरीके का एक बॉन्ड क्रिएट करें और इसी तरीके से आप लोग हैप्पी
हो सके। तो चलिए फटाफट से मैं आप लोगों के साथ ना अभी कुछ क्लिप्स शेयर करती हूँ। लाइक आप लोग भी देख लीजिए कि आप लोग ने आज मदर्स डे किस तरह सेलिब्रेट किया। बहुत ज़्यादा कुछ धूमधाम नहीं हुआ, लाइक यू नो लॉकडाउन का टाइम है, फिर भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैंने प्लानिंग की हुई हैं, आई होप हो जाए। तो चलिए मिलते हैं बाद में। और हाँ, वीडियो एंड करने से पहले वीडियो पसंद आता है तो क्या करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करिएगा, मैं दूसरों को भी अपनी हमारी फीलिंग्स का पता चल सके और दूसरों को थोड़ा बहुत आइडिया मिल सके कि हमें इस तरीके से अपने मम्मा के साथ ट्रीट करना है। और हाँ, मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, अभी तो जाके मेरी की छोटू सी फैमिली की बड़ी हो जाएगी। और बस 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 सिर्फ इतना ही, कमेंट बॉक्स मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो। और अभी चलिए फोटोज देखते हैं, मिलते हैं बाद में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन।